परिवहन विभाग भले ही यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के तमाम दावे करता हो, लेकिन हकीकत ठीक उसके विपरीत है। कुछ ऐसी तस्वीरें जौनपुर रोडवेज परिसर से सामने आई हैं, जहां परिवहन विभाग के पास पर्याप्त बस नहीं होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस के इंतजार में यात्रियों को घंटों बैठे रहना पड़ता है। बता दें कि बस स्टैंड पर बस आने जाने के जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है, जिसके चलते तपती गर्मी में बैठकर यात्री बस का इंतजार करते रहते हैं। साथ ही बस स्टैंड पर अव्यवस्था और गंदगी की भरमार है। करीब 3-4 घंटे से खड़ा हूँ, मिर्जापुर मुझे जाना है, और मैं काउंटर पर भी कई बार गया, उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जो संतुष्ट का जवाब होता है उस तरह संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये यात्री हैं, कब से पूछ रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इतना धूप है यहाँ पे, लोग कितनी धूप में तड़प रहे हैं यहाँ पे, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। करीब 1.5 घंटा हो गया। कहाँ की बस पकड़नी है? मिर्ज़ापुर। आपने इंक्वायरी पूछा था? इंक्वायरी में पूछा, 3 बार पूछा, लेकिन 3 बार जवाब नहीं मिला। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के रोडवेज परिसर में। हम आपको यहाँ की बिल्डिंगें दिखा दें। बिल्डिंगें तो काफ़ी भव्य बनाई गई हैं, लेकिन जो यात्री यहाँ पर बस पकड़ने के लिए आते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि 3-3, 4-4 घंटे से धूप में बैठे हैं, आज तीज का पर्व है, लेकिन उन्हें जो है बस समय से नहीं मिलता है। पूछताछ केंद्र पर अगर वह पूछते हैं कि बस कब आएगी और कैसे कितने समय में आएगी, उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। हम बात करेंगे अगर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता की, तो यहाँ पर स्वच्छता के लिए कूड़ेदान तो लगा दिए गए हैं, लेकिन कूड़ेदान के लगने के बावजूद भी यहाँ पे लोग दीवारों पर थूके हैं। कहीं ना कहीं जो स्वच्छता मिशन है यहाँ पर फेल होता नज़र आ रहा है। आज तीज का पर्व है और महिलाएं व्रत हैं, 3-3, 4-4 घंटे से महिलाएं धूप में बैठी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बस जो है 3-3 घंटे बैठने के बाद भी उन्हें बस नहीं मिली है मिर्ज़ापुर जाने के लिए, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजचनी, लाइव टुडे, जौनपुर।